रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूले पे, एडवाइस एक्सेल की टेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। तो जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला बताया मैंने बैटेक्स का, जो कि इंडिया में यूज नहीं होता है, ए अमाउंट को थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, लेकिन इसका यूज नहीं होता है, छोड़ देता हूं मैं। इसके बाद आता है कि हर करेक्टर का एक कोड होता है, तो यहां पे हमने CUD कोड लिखा और इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसने इसका कोड बता दिया 65। वापस हमारे पास कैर का फॉर्मूला होता है जिसको करेक्टर में कन्वर्ट करता है। अब बोलेंगे सर इस फॉर्मूले का बेसिक यूज क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। तो दो फॉर्मूले आपने सीखे, एक सीखे कोड का, एक सीखा कैर का। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी डेटा कहीं से आप टाइप करते हैं तो डेटा के बीच में अनवांटेड स्पेस होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया कुमार, फिर ऐसे स्पेस लगाया, फिर यहाँ पे दे दिया सुजीत, ऐसे मैंने सुजीत लिखा और फिर उसके आगे स्पेस दे दिया, राइट। तो ऐसे स्पेस को रिमूव करता है हमारा ट्रिम का फॉर्मूला। तो ट्रिम का फॉर्मूला स्पेस को रिमूव नहीं करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। देखिए सुजीत और कुमार के बीच में एक स्पेस उसने रहने दिया और बहुत सारे स्पेस था उसको रिमूव कर दिया। तो इसका यूज क्यों होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सुजीत लिखा और इसमें स्पेस दिया हुआ है और दूसरे जगह पे सुजीत लिखा हुआ है स्पेस नहीं दिया हुआ है, दोनों आपको सेम लग रहा है, लेकिन जब दोनों को अगर आप इक्वल करेंगे, लुकअप करेंगे, मैच करेंगे, तो वहां पे मैच नहीं होगा, फॉल्स देगा, क्योंकि इसमें स्पेस लगा हुआ है। और जब डेटा हम वेब से या किसी और सॉफ्टवेयर से कॉपी करते हैं तो मोस्टली जगहों पे मुझे इस तरह की प्रॉब्लम मिल जाती है, तो वहां पे क्लीन लगा के, स्ट्रीम लगा के कर सकते हैं। अब क्लीन का बात करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा डेटा रैप टेक्स्ट होके आता है, जैसे सुजीत के साथ ऑल्ट एंटर प्रेस करके हमने कुमार दिया। अब मैं यहाँ पे ट्रीम का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ट्रीम क्या दे रहा है, यहाँ देखिए सुजीत कुमार दे रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख तो रहा है सुजीत कुमार, तो इसकी लेंथ को काउंट कीजिए। एक लेन का फॉर्मूला होता है LEN लेन, जो कि किसी भी टेक्स्ट का लेंथ बताता है। इसने लेंथ बताया हमारा 12, मतलब कि 12 लेंथ है, लेकिन मैनुअली आप काउंट करेंगे तो देखेंगे सुजीत कुमार ये आपका 11 ही है, सुजीत के 6, 5 के कुमार 11 ही है, ठीक है सर। मतलब कि टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, राइट सर। लेकिन सर नजर क्यों नहीं आ रहा मेरे, सर नॉन प्रिंटेबल है ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके पास विंडो एक्सपी होता तो टी और के बीच में बॉक्स के अंदर क्वेश्चन मार्क दिखता, बट 2000 विंडो 10 और बाकी विंडो 7 वगैरह पे आपको ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नॉन प्रिंटेबल कैटेगरी है, मौजूद तो है बट विजुअल नहीं है। तो ऐसे करेक्टर को हम लोग क्लीन फॉर्मूला से क्लीन करते हैं, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट, तो इसको क्लीन कर दिया। अब मैं इस पे लेन का फॉर्मूला लगाता हूं तो आप देखेंगे एलियल लेन कि अब करेक्टर 11 रह गया। तो जहां आप स्ट्रीम लगाएं वहां पे एक बार क्लीन जरूर लगाएं, याद रखेंगे सर, जहां पे स्ट्रीम लगाएं वहां पे क्लीन जरूर लगाएं, ठीक है सर। अब इसमें बात करते हैं कि यहां तो मुझे स्पेस चाहिए था, ठीक है सर, सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि सेपरेटर हो, मतलब कि हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को स्पेस से रिमूव करने का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा कि किसी करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से कैसे रिप्लेस करें। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं ओल्ड टेक्स्ट हमारा डॉट है, न्यू टेक्स्ट हमारा डैश है, ठीक है।
ऑल टेक्स्ट हमारा डॉट है और न्यू टेक्स्ट हमारा डैश है, हमारी है सारा डॉट डैश हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट फार्मूला करता है कि एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर करेक्टर से अनोदर करेक्टर को रिप्लेस करता है, चाहे वो जितना बार रिपीट क्यों ना हो रहा हो। अब इसके बाद में एक इंस्टेंस नंबर है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में अगर है इसका मतलब है ऑप्शनल है, मैं नहीं डालूंगा तो जितने भी करेक्टर होगा उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन जब मैं इसमें सॉरी मेरे क्वेश्चन, इसमें टेक्स्ट जो आपने बोला करेक्टर है तो इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। करेक्टर का मतलब ही टेक्स्ट हुआ ना, टेक्स्ट मतलब कोई भी अक्षर चाहे नंबर हो कुछ भी एनीथिंग। ओके ठीक है, ठीक है सर। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर करेक्टर वगैरह वगैरह कुछ भी, समझ गए? ठीक है सर, आया समझ में सर? हेलो सर, आ रहा है बिल्कुल। ओके अब इसमें लास्ट में हम यहाँ पे अगर वन करते हैं इंस्टेंस नंबर तो सिर्फ पहला डॉट को डैश करेगा, मतलब पहले करेक्ट पोजीशन को। अगर टू करता हूँ तो दूसरे पोजीशन को, तो आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन मान लीजिए दूसरा नंबर आया तीसरा नंबर ऐसे रिप्लेस करना है तो इंस्टेंस नंबर का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ओवरऑल करना है तो इंस्टेंस नंबर का यूज नहीं कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने रिजल्ट होगा। जब ये मेरे छोटा सा क्वेश्चन है, इसने उसने नंबर को बोला है कि ना बड़ी ब्रैकेट में लिखना है, तो जो बड़ी ब्रैकेट है उसको लिखना जरूरी है वन के जो पहले अपने वन जैसे अपने नहीं इन्वर्ट मैंने बड़ी नहीं इन्वर्टेड कोटेशन में बात बोला मैंने आपको। नहीं आपने एंड पे वन लिखा था ना, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं तो इंस्टेंस नंबर बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसका मतलब है इसको ऑप्शनल है, जरूरत है तो लिखिए अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम नंबर वन लिखते हैं तो उसके इर्द गिर्द बड़ी ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक। वो बड़ी ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है जिससे पता चलता है कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, ठीक 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 है ना, बड़ी ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है। अब एक डालेंगे तो और एरर दे देगा। हाँ एक और फॉर्मूला आता है, वो आता है रिप्लेस का। रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है? रिप्लेस फॉर्मूला करता है कि इसके अंदर पोजीशन के हिसाब से मैंने बोला कि चौथा नंबर करेक्टर से एक करेक्टर को स्लैश कर दो, तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला की तरह ही रिप्लेस काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा कंडीशन अलग है। इसका कंडीशन ये है कि जो फॉर्म आपको पोजीशन आपने जो नंबर ऑफ करेक्टर दिया है उसी करेक्टर से रिप्लेस करेगा, चाहे वहां पर कुछ भी क्यों ना। तो हमने यहाँ बोला चौथे नंबर करेक्टर ये काउंट करेगा 1 2 3 डैश हमारा चौथा है, वहां से एक करेक्टर मतलब सिर्फ डैश को रिप्लेस कर देगा सर, राइट सर? तो रिप्लेस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला समझ में आया? आ गया सर। अग्रवाल जी आपको आया? हाँ जी सर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हम नॉन प्रिंटेबल करेक्टर करना चाहते हैं स्पेस से, तो इक्वल हमने किया सब्स्टिट्यूट इसको। अब नॉन प्रिंटेबल टाइप कैसे करेंगे? जनरली तो हम एक डबल क्लिक यहाँ पे हमने क्या किया था, डबल क्लिक किया था और ऑल्ट एंटर कर दिया था ना सर, हमने यहाँ पे जो हमने लिखा था सुजीत और ये स्पेस ना दे के हमने ऑल्ट एंटर प्रेस किया था और कुमार लिखा था, समझे सर? ठीक है। तो हम फॉर्मूला में कैसे लिखें? फॉर्मूला में अगर मैं सब्स्टिट्यूट देता हूं और इसको सिलेक्ट करके और यहाँ ऑल्ट एंटर मारूंगा तो नीचे आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना सर। इसकी इसमें मुझे मदद करेगा ए, हम किसी एक सेल पे जाएंगे यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम कोड फॉर्मूला लगाएंगे और पता करेंगे कि एक्सेल में इसका कोड क्या है। कोड पता चल गया 10,
और अगर इसी कैर के अंदर हम 10 को रखें तो रिटर्न करेगा सेम, देखिए, और इसको बराबर करके चेक कर सकते हैं आप। तो मतलब मैं यहाँ जब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं ओल्ड टेक्स्ट में कैर फॉर्मूला के साथ 10 दूंगा और बोलूंगा कि इसको जो है स्पेस से रिप्लेस करें। अग्रवाल जी, सिप्रियन जी, समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया आपको? आ गया समझ। नहीं तो बिल्कुल नई चीज मिली है सीखने को। तो इसका जो कैर 10 का फॉर्म कहाँ पे यूज करते हैं, कैर फॉर्मूले के साथ इस कोड को कहाँ यूज करते हैं? जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसे करेक्टर आ जाते हैं जिसमें कीबोर्ड में है ही नहीं और मुझे उस कैरेक्टर को रीड करके कुछ आगे मैंने उसको कैलकुलेशन करना है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेपरेशन इसकी, ज्वाइन की सेपरेशन, हाँ सेपरेशन की बात करते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए नंबर है, मुझे इसको अलग करना है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पास बेसिक फॉर्मूले है लेफ्ट का। एक सेकंड। इसमें तो क्योंकि सुजीत कुमार में कुमार नीचे था, सुजीत ऊपर था, आपने उसका वो करेक्टर निकाल के, कोड निकाल के उसको करेक्टर में डाल के उसको इकट्ठा कर दिया। लेकिन यही जो E12 में सुजीत कुमार है, अब आपने कहा था कि ये सुजीत और कुमार के दरमियान एक हिडन है, तो उसका कोड कैसे, कोड उसका आपने निकाला? सेम वही है सर, कोड वही होगा, इससे भी सेम वर्क करेगा, कोड वही है ना, करेक्टर तो वही है ना सर, करेक्टर थोड़ी चेंज हो गया है, विजुअल नहीं हो रहा है, मतलब करेक्टर चेंज थोड़ी हुआ है, करेक्टर तो वही है। टी और के बीच में जो करेक्टर है वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर ही है। ओके, ठीक है ना, तो यहाँ भी वो फॉर्मूला वर्क कर जाएगा, देखिए वर्क कर गया ना, तो यहाँ पे भी वो करेक्टर 10 ही है। जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि यहाँ जो हुआ क्या कि जब हमने इसको टीम का फॉर्मूला लगाया तो टीम से स्पेस अलग करता है ना, उसने प्रिंटेबल करेक्टर को नहीं हटाया, और इससे जब रैप टेक्स अप्लाई नहीं है, एक साथ दिख रहा है, अगर मैं इसको रैप टेक्स अप्लाई कर दूंगा तो टूट जाएगा, समझे? रैप टेक्स हटा देता हूँ, अब जैसे इसमें भी अगर मैं रैप टेक्स हटा दिया तो वही होगा, चीज वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े सर। अब इसमें अगला आता है लेफ्ट का, कि हमने जब लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया तो लेफ्ट से अलग हुआ, और हमारे पास अगला फॉर्मूला है मिड का। मैं यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाता हूँ और बोलता हूँ कि इसमें से बीच की वैल्यू, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें नंबर से मिड स्टार्ट है और 3 करेक्टर चाहिए, तो आपका मिड कहाँ से स्टार्ट है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए उस पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है फॉर्मूला राइट का। राइट का फॉर्मूला मैं लगाया, इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि राइट से 3 लेटर लेने हैं, इसने राइट से 3 कैरेक्टर को अलग कर दिया। तो 3 फॉर्मूले आपने यहाँ पे सीखा, मिड, लेफ्ट, मिड और राइट, जो कि सेपरेट करता है। बट प्रॉब्लम यहाँ तो फिक्स है ना, 3 लेटर आपको पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ लेटर पता नहीं होता है। जैसे कि मैं अपनी ईमेल आईडी लिखता हूँ kumar@ipt.india.com, ऐसे और भी ईमेल आईडी है मेरे पास, sujeetkumar.ipt@gmail.com। तो मुझे क्या करना है कि इसमें से आईडी को अलग करना है, वेबसाइट को अलग करना है, आईडी अलग होना चाहिए और साइट अलग होना चाहिए, दो में कैसे करें? क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि मैं यहां पे लिख दूं कि लेफ्ट इसमें से 5 सेक्टर अलग कर दे, तो ये आपका हमने इसको सिलेक्ट करना था, गलत सिलेक्ट कर लिया, हाँ 5 सेक्टर अलग कर दे तो यहां पे कुमार आ गया, लेकिन इसको जब नीचे ड्रैग करूंगा तो इसमें कुछ और होगा। तो मुझे ऐसा चाहिए जो एट द रेट को मिडिल मानते हुए, सेपरेटर मानते हुए दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दे।
तो इसके ऊपर हम यूज करेंगे फॉर्मूला फाइंड का. हमारे पास फाइंड का फॉर्मूला होता है. फाइंड का फॉर्मूला हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला इसको सिलेक्ट नहीं किया माफ कीजिए, इसमें हमने बोला कि स्पेस, फिर इसमें हम इसको सिलेक्ट किए और हमने बोला कि पहले नंबर पोजीशन से अलग करें. तो ये बताएगा कि स्पेस नहीं है ना सर, दिमाग का है आज. एट द रेट ये बोलेगा कि इसके अंदर जो एट द रेट है, एट द रेट के बाद एट द रेट को इसके अंदर फाइन सी टू के अंदर फाइन करे स्टार्टिंग नंबर वन से पहले करेक्टर से, और वो बताएगा कि हमारा एट द रेट का पोजीशन क्या है. तो मैं यहां पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा लेफ्ट का, तो लेफ्ट के फॉर्मूले में मैं नंबर ऑफ करेक्टर में फाइंड का फॉर्मूला एड कर दूंगा, कॉमा वन. ठीक है, और लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगा कि ये जब डालेंगे तो एट द रेट तक आ जाए, क्योंकि सिक्स नंबर आया, एट द रेट तक का पोजीशन का काउंट दिया ना. तो यहां आपको क्या करना है कि एक वन कर, यहाँ पे वन माइनस कर लेना है. आ गया, समझ में आया सर? आ रहा है सर. कोई डाउट सर आपको, किसी को डाउट है इसमें? अब इसमें बात करते हैं कि राइट से कैसे लोग, हमें लेफ्ट से तो अलग कर लिया बट राइट से अलग कैसे होगा. तो राइट में भी हम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि लेन इसकी कंप्लीट काउंट माइनस, कंप्लीट काउंट माइनस यहां पे हम देंगे फाइंड का फॉर्मूला, फाइंड एट द रेट कॉमा, इसको सिलेक्ट किया कॉमा वन, एंटर मारो. अभी दोनों के नीचे ड्रैग कीजिए, चाहे जो भी काउंट होगा आपका इसका करेक्टर का, वो एट द रेट को मिडल मानते हुए दोनों को अलग अलग कर देगा. अब आप लोगों के पास इस फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. ये फॉर्मूला थोड़ा सा है डिफरेंट सा, लेकिन इसके ऊपर ना सोचना पड़ेगा आपको सर. इसमें फाइंड वाला जो आप लगाते हो, ये सिंपल उस स्पेशल कैरेक्टर का जो हमने यहाँ पे एट द रेट दिया है उसकी लेंथ बता रहा है. स्पेशल कैरेक्टर की बात नहीं है, कोई भी कैरेक्टर को, कोई भी, हाँ मतलब जो आपने इन्वर्टेड कॉमा में डाला, अगर एट द रेट का हाइफन होता वो डालते तो उसकी मेरे को पोजिशन बता देता फाइंड. जी जी जब पोजीशन पता चल जाता है तो हम इसको अलग कर लेते हैं. ठीक है सर. सर राइट में आपने ऊपर वाला जो फॉर्मूला पहले था उसमें ये लेंथ, आपने लेंथ डाली है फिर उसके बाद फाइन डाला है. बेसिकली ये सुनिए सिंपल सर, अगर कंफ्यूजन है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. फाइन के फॉर्मूले ने बताया कि इसकी टोटल, इसकी एट द रेट तक जो पोजीशन है वो सिक्स है यहाँ तक. ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला लगाया लेन का. लेन फॉर्मूले ने बताया कि टोटल लेंथ 18 है, मतलब कि एडिटर तक 6 है और कॉम तक जो 18 है. तो आई से लेके एन तक कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, 18 माइनस 6 कर लीजिए, आ गया 12. तो मैं यहाँ राइट को बोलूंगा कि राइट तुम इसमें से 12 करेक्टर अलग कर लो. सर विदाउट इसमें? नहीं सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक यहां पे आता है कि अगर मैं सेपरेटर की बात करूं, जो ज्वाइन कर लिया और सेपरेटर की बात करूं, सुजीत कुमार है, इसको आपस में ज्वाइन करना है, तो
तो हमारे पास कॉनकेटेनेट का फॉर्मूला तो है ही, इसको सिलेक्ट किया कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, लेकिन मुझे बीच में स्पेस भी चाहिए, तो हम दूसरे करेक्टर के दूसरे के बीच में स्पेस डाल देते हैं। तो यह पहला हमारा फर्स्ट नेम आ गया, फिर सेपरेटर हो गया, फिर सेकेंड नेम हो गया, एंटर मारा आ गया शीत कुमार, ठीक है। इसको हम जो है एन परसेंट से भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया एन परसेंट और यहाँ पे स्पेस दिया, अगेन एन परसेंट और इसको सेलेक्ट कर लिया, तो एन परसेंट की मदद से भी हम दोनों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने का दो तरीका आपने सीखा, हाँ जी, ठीक है सर। ज्वाइन करने का दो तरीका सीख लिया आपने, हाँ जी सर। लेकिन अगर इसी को डेट में ज्वाइन करना हो, एक तारीख और आज का डेट डालता हूँ, तो जब डेट में ज्वाइन करते हैं आप, जैसे मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे इसको कॉपी करता हूँ ना, कॉपी करके नीचे की तरफ मैं पेस्ट करता हूँ, तो क्या होता है नंबर हो जाता है, नंबर हो गया ना सर, हाँ जी। क्यों? क्योंकि यह नंबर पे वर्क करता है। तो कैसे करें? तो आपको इसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डेट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे dd/mm/yy जो भी फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट में डालें, पहले टेक्स्ट फॉर्मूले में। उसके बाद आप इस टेक्स्ट फॉर्मूले के रिजल्ट को मैच करें, क्योंकि एक डेट जो है, यहाँ डेट दिख रहा है वो एक्चुअल में फॉर्मेट है, एक्चुअल जो है वो नंबर ही है, जो कि मैंने आपको पेस्ट स्पेस में सिखाया था, ठीक है सर। इसलिए उसको हम पहले डेट फॉर्मेट में एज ए टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको मर्ज करते हैं। आ गया सर सत्यम जी? जी समझ आ गया सर। अब इसको आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज्यादा पढ़िएगा फॉर्मूला सर के ऊपर से निकल जाएगा। बिल्कुल सर। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस, ये वाला कौन सा वाला? हेलो सर, ये वाला जो एक्सेल एक बार आप शेयर कर देंगे, मैं बीच शुरू का थोड़ा मिस हो गया था मेरा, इसलिए एक्सेल शेयर कर दूं या वीडियो शेयर कर दूं? तो दोनों कर दें तो बढ़िया है। ठीक है मैं कर देता हूं, और क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आपकी ईमेल क्या है सर? SHUBHJ ये है ना? हाँ भेज दी सर मैंने आपको। थैंक यू।